AIIMIM के असुद्दीन ओवैसी की मध्य प्रदेश में तो एंट्री हो ही गई है। अब वहां इंदौर शहर में भी नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने आ रहे हैं। इंदौर के मुस्लिम क्षेत्र बॉम्बे बाजार में वहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उनकी एंट्री पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि सभी जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हाँ, मेरा कुछ एक समझ में नहीं आ रही है कि एक ओवैसी साहब का जो एक लेवल है बहुत ऊंचा है और वो एक छोटे से वार्ड के चुनाव में सिर्फ यहाँ पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 4 या 5 कैंडिडेट हैं उनके, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, तो उनका आना एक समझ से परे है। हाँ, चिकित मानकर जहाँ पर जैसे हमारी केजरीवाल जी से बात हुई थी, उनका यह कहना था कम से कम 85 ही अगर वार्ड में अगर अपने कैंडिडेट होते हैं तो वो कम से कम कुछ समय निकाल कर आकर यहाँ अपना बयान या अपने जो भी अपने दिल के इजहार कर सकते हैं अपने दिल की बातों का। अब ओवैसी जी सिर्फ 4 कैंडिडेट के लिए आ रहे हैं, असर क्या है सब लोग समझते हैं, आज के सभी समझदार हो गए हैं कि जहाँ जहाँ ओवैसी जी गए हैं वहाँ उनकी पार्टी को तो फ़ायदा नहीं हुआ है, एक अगेंस्ट पार्टी को जरूर नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से, उनके बयान से जो उनके कैंडिडेट हैं उनको तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब समझते हैं कि ओवैसी जी की जो मतलब कह सकते हैं कि अपन बीजेपी का पार्ट 2 है ओवैसी जी, जो उनके बयान अच्छे होते हैं ना, क्योंकि आप कुछ देख लें कि सारी जो दूसरा कोई बोलता तो उन पर कार्रवाई हो जाती है और ओवैसी जी बिंदास हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे कितने स्टेट के मुख्यमंत्री जी हैं उनको बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप कुछ समझ सकते हैं इस चीज़ को? नहीं नहीं, मेरे यहाँ के जो भी अपने वोटर्स हैं या मतदाता बोले अपन, वो सब जागरूक थे, टोटल सब जागरूक, सब समझते हैं हकीकत क्या है, सब हकीकत से वाकिफ हैं और ये भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ओवैसी जी का मकसद क्या है और वो किसके मोहरे हैं और किसके इशारों पर काम कर रहे हैं।